इसका चारों चेंज करने वाला हूँ। सो थोड़ा बोल सकते हैं कि कुछ तगड़ा काम होने वाला है। धोबी का ये है मार्केट, अब बस यहाँ से थोड़ा आगे से हम लोग को लेना है लेफ्ट। किस भाई संजय सर, ये देखो चेंज स्पोक का लग गया, दूसरा न्यू लग गया, नए वाला ये पुराना वाला का पूरा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माई न्यू ब्लॉग। सो आपका भाई फिर से एक नया ब्लॉग लेके आ चुका है। बेसिकली आज थोड़ा बहुत दिन हो चुका है ना ब्लॉग नहीं किया है, ब्लॉग नहीं आया हुआ है, तो आज थोड़ा सर्विसिंग बाइक का बहुत सर्विसिंग भी करवाना है, इसीलिए अभी सर्विसिंग करने के लिए जा रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं बोल के सीधा आपको आज मोटर ब्लॉग दिखाएंगे अच्छे से। सो प्लीज़ देखते रहिए। बाहर का मौसम देख सकते हैं पूरा ऐसा होता है ना, बारिश करने वाला, बारिश किया भी थोड़ा सा, और इसीलिए मैं थोड़ा सा रेन सूट कैरी कर चुका हूँ कि जहाँ के बीच रास्ते में थोड़ा दिक्कत ना हो अगर बारिश कर दिया तो, क्योंकि सर्विसिंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है, 100-200 किलोमीटर में ज़्यादा ऐसे चला चुका हूँ, इसीलिए सर्विसिंग करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब दशहरा भी आ रहा है, दशहरा के टाइम में थोड़ा फिर इधर उधर ज़्यादा जा सकते हैं, प्लानिंग कुछ बन सकता है, दैट्स व्हाई सभी के लिए फटाफट करा निकलते हैं। चल जाएगा बोल। सो जय बाबा विश्वकर्मा, कृपा करना अच्छे से आए। अभी के लिए फ़िलहाल फिर थोड़ा फ्यूल अप भी करवाना पड़ेगा, जितना फ्यूल है तो ऐसे जो पहुंच जाएगा ऐसे रिजर्व लगा के, लेकिन नहीं फ्यूल अप करवा लेंगे। उसके बाद मेरे को यहीं से एक सामान भी लेके जाना है जो कि सर्विसिंग में काम लगेगा। मैं एक चीज़ चेंज करवाने वाला हूँ, इसका साइड लाइट जो इंडिकेटर है ना, सभी चीज़ इसका चारों चेंज करने वाला हूँ। सो थोड़ा बोल सकते हैं कि कुछ तगड़ा काम होने वाला है, थोड़ा बाइक में थोड़ा कुछ बहुत सारा चेंजेज आने वाला है, दैट्स व्हाई अभी थोड़ा देर लाइक एक घंटा पहले बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा बारिश किया था ना, लाइक होता ना थोड़ा थोड़ा, तो पूरा अभी रोड भी गीला हो चुका है और थोड़ा स्लीपी हो चुका है बोल सकते हैं। और बाइक अभी जो है ना, क्योंकि सर्विसिंग नीडेड है, ऐसा वो हैवी लग रहा है चलाने में, ऐसा होता ना बहुत सारा इसका क्लॉज ब्रेक्स थोड़ा कम लग रहा है, ऐसा होता ना फील हो रहा है, तो इसीलिए जल्दी जाते हैं, क्योंकि अभी दिन में थोड़ा छुट्टी है, फिर शाम को क्लास है, दैट्स वाई फिर मेरे को 4 बजे तक रिटर्न भी आना है। सो अभी फ़िलहाल 2-3 घंटे में जितना हो सके तो पहले, क्योंकि धोबी जाना है, धोबी जाने के लिए यहाँ से टाइम लग जाएगा मेरे को अभी 20-30 मिनट्स ऑलमोस्ट, आधा घंटा बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ दोस्त के यहाँ ही जाएंगे धीरज के यहाँ। सो ओह सॉरी फ्यूल अप करवाना ना, वही भीड़ भी कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, कोई ना। ओ गौ, अरे गौ माता नहीं है मतलब वो साड़े होता ना वो कुछ ऐसा टाइप्स का है, और आ गए रेड लाइट पे सिग्नल पे, लेकिन खुल गया आई थिंक, यस रेड लाइट सिग्नल खुल गया, सीधा जा सकते हैं, रुकना पड़ेगा नहीं, सीधा जा सकते हैं हम, आते ही रेड लाइट भी ग्रीन लाइट हो जाता है भाई, वाह वाह भाई वाह। अभी ऑफिस आवर है क्या, कितना बजा है एग्जैक्टली, 11:30, इतना गाड़ी क्यों है भाई, बहुत सारा रश चल रहा है गाड़ियों का, और थोड़ा क्या हो रहा है अभी जैसे फील हो रहा है, क्योंकि कंडीशन में नहीं है ना अभी फुल्ली, तो वो थोड़ा फील हो रहा है कि ऐसे लाइक कुछ ना कॉन्फिडेंट, थोड़ा पूरा फुल कॉन्फिडेंट ही नहीं मिल रहा है कि चलाने के लिए, मतलब भगाए आराम से चलाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई क्या देखो पता नहीं, मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि टायर में हवा कम है, क्योंकि साला भाग ही नहीं रहा है बाइक, होता ना उतना जितना भागना चाहिए उतना भाग ही नहीं रहा है, हो सकता है। देखो मैं तो ये मानता हूँ भाई, आप जितना केयर करेंगे अपने बाइक को, अपने जो भी है आपके पास है ना,
जितना ज़्यादा उसको केयर करेंगे उतना साथ देगा वो आपको। ये लड़की वाला सीन नहीं है कि लड़की को साथ देंगे तो लड़की धोखा देके चले जाएगी, नहीं, आप इसको जितना केयर करेंगे उतना ये साथ में रहेगा, आपको साथ देगा। सो इसीलिए, क्योंकि देखो मेरा ट्रैवल कुछ अलग ही, बहुत जगह होता ना पहाड़ों पे, कहीं कहाँ पे, कहीं पे कहाँ पे, अभी तक ऐसा लाइक होता ना बीच रास्ते में सब बंद नहीं हुआ है, ऐसा कुछ लाइक बड़ा धोखा नहीं दिया है, क्योंकि मैं पेट्रोल मेरे पास एनी टाइम रहता है, टैंकी रहता ना, अगर लॉन्ग रूट में जाऊँ तो फुल टैंकी रहता है, ऐसा कम नहीं। और उसमें जो इंजन का प्रॉब्लम भी रहता ना, अब कोई भी मेरा माइनर प्रॉब्लम भी रहे तो मैं उसको बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा पसंद नहीं है कि गाड़ी थोड़ा बिगड़ा हो कुछ भी, छोटा से छोटा भी। अब जैसे एक इश्यू क्या हुआ, जैसे बोल रहे थे तो ये इंडिकेटर एक बिगड़ा हुआ है, इसीलिए नहीं, मेरे को चेंज ही करवा देना है भाई, पूरा चारों चेंज करवाएंगे, एक बिगड़ा हुआ है लेकिन चारों चेंज करना है, क्योंकि चाहिए भाई। पीछे बस आ रहा है और इसीलिए हम भगा देते हैं, बस भी भगा दिया। चलो चलो, कोई ना कोई ना, अभी मेरा भाग नहीं रहा है, थोड़ी देर के बाद सर्विसिंग करवाने तो उसके बाद मेरा भी बाइक भागेगा, अच्छे से भागेगा। कहाँ भागेगा मालूम नहीं। ओह यस, पीछे से दूसरा बस भी आ रहा है भाई। बस दे, इतना ज़्यादा चिल्लाओ मत, मेरा कान में ऑलरेडी कुछ हो रहा है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है, कर 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 कुछ कुछ ना कुछ तो फील हो रहा है मेरे कान में। अभी जाएंगे, बस पहुंच ही जाएंगे अभी 5 से 10 मिनट के अंदर, उसके बाद वहाँ पे देखेंगे अच्छे से क्या है अंदर। और फिर अभी ये धीरज का अभी दुकान भी थोड़ा चेंज किया है ना, पहले जिस जगह पे था उसके से अभी चेंज किया, थोड़ा और आगे चला गया, तो अभी फिर लोकेशन भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे एग्जैक्ट उसका, तो पहुँचते हैं उसके बाद ढूंढते हैं ना भाई। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इधर बारिश ही नहीं किया है, पूरा देखो ना भाई, पूरा सूखा पड़ा हुआ है पूरा, उधर तो बारिश किया आई थिंक 10-15 मिनट पूरा होता ना, जैसे रोड आपको दिखाई, जैसे रोड पूरा भीगा हुआ था, इधर देख सकते हो पूरा चारों तरफ भाई सूखा सूखा, इधर का भी सीन ही ऐसा कुछ हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले बस इतना 3 दिन लगातार बारिश किया था, आप लोगों को मालूम ही है, पूरा यहाँ पे बाढ़ आ चुका था, यहाँ पे मतलब आई मीन होता ना थोड़ा जो नीचे नीचे वाला जगह है और जो नदियाँ है ना वो पूरा भर चुका था, और यहाँ पे हम लोग का जो कोसी बैरेज है पास में ही वो तो ओवरफ्लो, यहाँ पे 56 डोर्स है जो कि अभी तक ज़्यादा मतलब ऐसे पूरा रेड अलर्ट होता है ना उस टाइम में भी बस ओपन होता है, तो इस साल पूरा ऐसा ही सेम सीन हो चुका था, तो इस साल भी सेम फिर 56 सारा का सारा वो होता ना जितना भी डोर्स सारा खुलना पड़ा। उसके बाद फिर भी वहाँ से ऊपर से भी पानी बह रहा था भाई, सोच सकते हैं आप लोग कितना लाइक होता ना बारिश किया होगा तो कितना पानी बढ़ गया था भाई। और यहाँ पे नेपाल पे पूरा होता ना वो जो फ्लॉड की वजह से 200+ का लाइक डेथ हो चुका है, सो ये थोड़ा सा बहुत सैड मोमेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पहाड़ एरिया भी है ना हम लोग नेपाल, तो होता ना थोड़ा सा वो लैंडस्लाइडेड और होता ना जस्ट लाइक गहरा वाला जगह पे भी कुछ ज़्यादा है, तो बहुत सारा फैमिली का सोचो ना भाई एक तल्ला पूरा डूब गया था, ऐसा ऐसा सीन हुआ था, न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं आप, न्यूज़ में आ ही जाएगा। कोई ना, प्रे करते हैं जितने भी डेथ हुए उन लोग का आत्मा को शांति मिले, बस यही बोलना चाहता हूँ, इससे और क्या ही कर सकते हैं। और अभी पहुँच चुके हैं हम लोग नेमुआ बोल के एक जगह है यहाँ पे, अब बस पास में ही, अब एक रिवर आएगा, वो जैसे ही रिवर क्रॉस करेंगे यहाँ से बस वो दिख रहा है आगे एक तो बड़ा सा बिल्डिंग तो नहीं बोल सकते, वो फैक्ट्री है ना, वो फैक्ट्री के पास में ही एक रिवर है, जैसे ही वो रिवर क्रॉस करेंगे पहुंच जाएंगे तो भी, तब उसके बाद फिर वो इनरवा होने वाला रास्ते हुए थे जाना है, उसके बाद वही रास्ते पे है उसका दुकान भाई, दुकान। आंटी जी देख रहे हैं इधर क्या कर रहे हैं, ये लड़का मुंह में कैमरा लगा के घूम रहा है। लो जी लो, आप पहुँचे हम लोग धोबी का ये है मार्केट, अब बस यहाँ से थोड़ा आगे से हम लोग को लेना है लेफ्ट भैया जी। ओ दीदी जी, मैं जाऊँ यस थैंक यू। अब यहाँ से स्ट्रेट जाना है, और ये थोड़ा होता ना इसका जो साइड लाइट का स्विच है उसमें भी थोड़ा होता ना अभी, क्योंकि बारिश का महीना अभी भी है नहीं बोल सकते, मतलब जो बारिश का भी जो मौसम है ना
अभी रिसेंटली पूरा गया ना, तो बारिश आई थिंक किया है, फिर धूप निकला है, ऐसा होता ना, तो इसकी वजह से पानी वानी घुस गया होगा, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। सारा चीज़ दिखाएंगे, एम्बुलेंस को जाने दो पहले, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। चलो जी, चलो 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 चलो, बस पहुंच गए हम लोग, दो मिनट, और दो मिनट में पहुंच जाएंगे, बस दो मिनट। पहले उसका दुकान आई मीन गैरेज यहाँ पे था, ये वाला जगह पे, अभी थोड़ा आगे खुला है बोल रहा है, लेकिन मेरे को भी पता नहीं है, मालूम आई मीन देखा नहीं है। अब जाते हैं तब दे ढूंढते हैं, पहले ढूंढना पड़ेगा ना, इससे पहले ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है ये, इसके ये नहीं है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, देखना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा। ये फ़ोन घुमाओ एक बार, यस फ़ोन घुमाने से भी होगा ना, पहले थोड़ा आगे जाते हैं उसके बाद फ़ोन घुमाते ना। फाइन ऑटो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ओके गाइस, सो यहाँ पे है नया जगह। क्या हाल चाल? कार्बन बैग लाई, बढ़िया। कैसे मोटर के सेल्फ कार्बन कैसे भाई? संजीस, ये देखो इसका नया वाला जगह, पहले से बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ पे पूरा एरिया बहुत सारा है, मस्त है, देख सकते हैं पूरा गाड़ी खुल चुका है, मोबिल देखिए अभी निकल रहा है, खोल 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 खोल, खोलो ना। वो लास्ट टाइम दिखाए थे आपको, पूरा होता ना अलग ही दिख रहा था, लेकिन अभी देखिए पूरा काला बन के निकल रहा है। लेकिन चलने टाइपको छ है मोबिल त, अझ पनि माने अझ 200-300 चल्ने टाइपको, त्यस्तो धेरै कुदाएको रहेन छु। अंदर से देख सकते पूरा कितना मिट्टी मिट्टी है ना, धूली धूल, सारा साफ करना पड़ेगा सारा। ये देखो चेन स्पोक का लग गया, दूसरा न्यू लग गया, नए नया वाला, ये पुराना वाला का पूरा चल गया, और अभी इंडिकेटर चेंज हो रहा है। ये देखिए अभी का इंडिकेटर कैसा दिख रहा है, सो इट्स लुक्स लाइक दिस। अभी चेंज होने के बाद आपको नया वाला ये वाला लगेगा। 2 hours later, yes, finally we are done with the servicing, so it's a first check off, let's go. Nikal diye hum log Biratnagar ke liye, mast servicing ho gaya, thoda late bhi ho gaya, isliye jaldi main acche se wash bhi nahi karwaya, kyunki mere ko class ke liye late ho raha hai, abhi 10 minute baki hai 4 bajne ke liye, to fatafat se nikalte hain pehle। धूल मिट्टी, क्योंकि थोड़ा सा भूख भी लग रहा है, अच्छा तो कुछ जाके खाना है, उसके बाद फिर क्लास के लिए निकलना है। मेरा क्लास है 4:45 में, सो ऐसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, यहाँ से अभी 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे विराटनगर, उसके बाद नहा थोड़ा फ्रेश भी होना है ना, दस वही चलते हैं। सारा चीज़ डन, एवरीथिंग डन, मस्त हो गया, मस्त। अब देखो चलाने में पिकअप भी थोड़ा बहुत अच्छा होता ना, काफ़ी अच्छा बन चुका है, ब्रेक्स वगैरह या परफेक्ट, पीछे का परफेक्ट। चलो भाई चलो 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 चलो, आप लोग देख ही सकते हो आगे कितना ज़्यादा जाम है, तो ये मेरे लिए चैलेंज। क्या मैं 10 मिनट के अंदर पहुंच सकता हूं विराटनगर? और पहुंच भी सकता हूं, लेकिन जब तक ये भीड़ भाड़ आई मीन ये धोबी इलाका जब तक ना कट जाए, तब उसके बाद वो 4 लाइन का हाईवे आ जाएगा ना, तब उसके बाद निकल सकता हूं फटाफट से। अभी ये दिक्कत करेगा ना यहाँ पे, अभी से सो भी 2-3 मिनट और टाइम लगेगा, क्योंकि आगे तक पहुँचने में ही दिक्कत लगेगा भाई। लेट हो चुके ऑलरेडी, 5 मिनट बाकी है 4 बजने में। चलो 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 चलो, जल्दी 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 चलो, ये फुटबॉल क्यों बनाए यहाँ पे मितुवा।
भाई, ओ भाई, क्या मक्खन चलने लग गया भाई। ओहो हो, बस देख के आंटी जी क्रॉस कर रहे रास्ता। ओहो, मजा आ गयो, मजा आ गयो, मजा आ गयो। ओ भैया जी, ओ भैया जी, ये क्रेन लेके कहाँ जा रहा है? मजा आ गया, मजा आ गया। थोड़ा सा जल्दी होता तो थोड़ा अलग रूट लेके जाने वाले थे, लेकिन लेट हो चुका है, तो फटाफट से कहीं बिना रुके हुए निकलते हैं पहले। अरे यार, अरे यार, अरे यार, इधर से निकलते हैं साइड से। लो जी, लो लो, फाइनली एंटर कर चुके हम लोग विराट नगर। अब यहाँ से रूम पहुँचने के लिए टाइम लग जाएगा। मेरी यहाँ है ना, ये दिक्कत है ना, विराट नगर तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ से 10 मिनट लगेगा आई थिंक, मे बी ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जैक्ट बज गया 4, है ना, 10 मिनट में हम लोग पहुँच गए विराट नगर। और अभी यहाँ से 10 मिनट मेरे को और लगेगा रूम पहुँचने में। ओहो, अब सर्विसिंग हो गया ना, तो कोई अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ना, क्योंकि मेरा कई बार प्लान बन जाता है, सडनली प्लान बन जाता ना, तो अभी दशहरा का टाइम भी है, आने वाला है, मतलब उसका भी आपको व्लॉग आएगा ही ज़रूर, है ना, तो बस इसी वजह से थोड़ा सर्विसिंग करवा लेंगे ना, तो कहीं पे भी निकल सकते हैं आराम से, नो टेंशंस। क्योंकि मेरे को कहीं अगर बाहर निकले तो मेरे को गाड़ी होता ना फुल टेंच, मतलब होता ना फिक्स्ड, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसे टाइप्स का मेरे को चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम इश्यूज दिखे तो बाइक में मेरे को बनाना है, अब जैसे भी करके। तो जो भी था, सर्विसिंग मेन करवाना था, सर्विसिंग पार्ट डन, और ज़्यादा खर्चा नहीं आया ऐसे, वो इंडिकेटर चेंज करने की वजह से थोड़ा खर्चा बढ़ गया है ना, एग्जैक्ट बढ़ गया, वरना वो इंडिकेटर बस सर्विसिंग होता तो ज़्यादा खर्चा नहीं है। आगे का वायरिंग जो चेन का होता ना, हाँ, वो उसको चेंज करवाना पड़ा, फिर के मोबिल ऑयल फिल्टर, और बस नॉर्मल इंजन ऑयल, बस नॉर्मल सा होता ना जो, बस इतना ही था। क्या ही टाइमिंग है देखो, वाह भाई वाह। उस टाइम में रिटर्न, मतलब जाने के टाइम में भी सेम रेड लाइट में रुकना नहीं पड़ा, सीधा सीधा चले गए। इस टाइम में भी, अभी रिटर्निंग में भी रेड लाइट है ही नहीं। ओ हो, बस से भाई साहब, इधर देखो भाई जाम, कितना सारा गाड़ी है। इधर ये बीच का जो ग्रीनरी लगाया है ना, क्या ही अच्छा दिख रहा है ना, आई मीन मेंटेन्स दिख रहा है। इधर देखो, इधर खाली खाली सारा जगह पे, अगर ऐसा होता ना ट्रीज पूरा हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, सोचो। दोनों तरफ से 4 लाइन का रोड, और बीच में ऐसा होता ना हरियाली वाला। अरे यार, जल्दी जल्दी के चक्कर में होता ना वो, लेट हो जाएंगे बोल के ऐसे चक्कर में ब्लॉग मतलब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बोल के, वो भी भूल गया था मैं। अभी बस पहुँच ही गए हम लोग, 10 मिनट लगा मैं बोला ना, ऑलमोस्ट 10 मिनट लगेगा, अभी जस्ट 2 मिनट, अब 12 मिनट, हाँ बोल सकते हैं ऐसे, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। वही मेरा घर वाला ही गली में आ चुके हैं। बस ये रोड से एक चौक आएगा, वो चौक से थोड़ा सा राइट मुड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे मेरा रूम। ये आ गया हाटखोला गीता मंदिर, बस थोड़ा आगे जाके बस स्टैंड से राइट मुड़ना है। पहुँच गए, चलो पहुँच गए। A few moments later. So guys, आज का शेड्यूल का क्लास पूरा ख़त्म हो चुका है ना, अभी जस्ट थोड़ा सा मैं अपना सेल्फ वर्कआउट करके बैठा हूँ, देख सकते हैं डोले वोले थोड़ा सा, बस 2-3 दिन हुआ है, 3 दिन से अपना सेल्फ ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। स्टमक पूरा इतना कोर मारे हुए हैं ना, तो पूरा पेन कर रहा है, और थाइज और कोर और बाइसेप्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आपको इंडिकेटर दिखाई नहीं क्योंकि रात का इंतज़ार में था, बस अब रात हो गया, जल्दी जल्दी यहाँ से अब निकलते हैं। टाइम हो चुका है एग्जैक्ट 8,
पीएम है ना, 9 बजे तक रहते थे लेकिन आज थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि अकेले भी है और थोड़ा थकान है थोड़ा सा, इसीलिए जाके मस्त से खाएंगे और आपको इंडिकेटर नाइट का जो दिखाने वाला है मस्त वाला, बाइक में क्या चीज़ काम हुआ है वो आपको दिखाएंगे थोड़ा। चलो भाई आप लोग को साइड लाइट दिखाते हैं अभी मस्त से, ये देखो भाई क्या ही चमक रहा है ना, मस्त क्या ही लग रहा है भाई, ओहो मस्त मस्त मस्त।